नमस्कार एमपी न्यूज कास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीलम दुबे। चलिए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों का। कटनी घंटाघर रोड में देना बैंक समीप एक तेज रफ्तार कार चालक ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को टक्कर मारकर पैर में कार चढ़ा दी। महिला के एक पैर की हड्डी दो जगह से टूटी और निजी हॉस्पिटल में ऑपरेशन हुआ है। कार चालक महिला को अस्पताल में दाखिल कराकर भाग गया और फिर लौट कर नहीं आया। कोतवाली पुलिस ने कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मिली जानकारी अनुसार यह घटना परिवा के दिन 5 नवंबर की है। जालपा वार्ड निवासी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अर्चना मिश्रा ने बताया कि वह शाम करीब 4:30 बजे घर से गोविंद देव जी मंदिर सिल्वर टॉकीज जा रही थी। घंटाघर रोड देना बैंक समीप परिवा होने से रोड खाली थी, तभी पीछे से कार क्रमांक MP21GB1801 के चालक ने पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर के बाद कार बाएं पैर के ऊपर चढ़ गई। महिला ने बताया कि रुंगटा कंपाउंड निवासी सुहाने परिवार के लोग कार में पिकनिक मनाकर लौट रहे थे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने बताया कि वर्धमान हॉस्पिटल में कार चालक ने उसे दाखिल किया और उपचार का खर्चा उठाने की बात भी कही, लेकिन वह फिर लौट कर नहीं आया। हॉस्पिटल में महिला के पैर का ऑपरेशन हुआ है। कार चालक ने महिला को बताया था कि पीछे बैठे उसके पुत्र ने कार की छत खोल दी थी और पीछे मुड़ने के दौरान स्टेयरिंग घूम जाने से सड़क किनारे कार तेज रफ्तार से चली गई। कोतवाली पुलिस ने शिकायत पर आरोपी कार चालक अभिताप सुहाने के खिलाफ धारा 279 धारा 337 के तहत मामला दर्ज किया है। फिर ये लोग सब उतरे गाड़ी से और लाके भर्ती करे, बोले हम सब खर्चा उठाएंगे तुम्हारी दवा का, कहीं कुछ नहीं करना। बस हमको भर्ती कराने के बाद ये लोग चले गए। उसके बाद से इनका कुछ पता नहीं है, ना ये मिले ना आए, कहाँ है कुछ पता नहीं है इनका। कोई खर्चा दिया उपचार के लिए? नहीं, पहले बोले कि आप कहीं कुछ नहीं करना, हम पूरा जहाँ चलोगे हम वहाँ ले चलेंगे, जिस हॉस्पिटल में जाना है चलो हम पूरा खर्चा उठाएंगे। तो इन्हीं ने हम लोग हमको यहाँ एडमिट किया ऋषि हॉस्पिटल में। बस फिर एडमिट करके गए हैं तो फिर नहीं आए, और इनका आज तक कुछ पता नहीं है कि ये कहाँ है क्या है, ना हमसे कुछ बातचीत करे ये, ना कुछ करे, बिल्कुल लापता है ये। क्या नाम है आपका? मेरा अर्चना मिश्रा है।